नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 21 अगस्त। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,15,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार बिहार में 2,451 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,15,210 पर पहुंच गई है। वहीं अगर प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 41, अरवल में 34, औरंगाबाद में 78, बांका में 23, बेगूसराय में 97, भागलपुर में 76, भोजपुर में 61, बक्सर में 29, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 90, गया में 58, गोपालगंज में 49, जमुई में 23, जहानाबाद में 46, कैमूर में 38, कटिहार में 102, खगड़िया में 24, किशनगंज में 38, लखीसराय में 47, मधेपुरा में 58, मधुबनी में 141, मुंगेर में 44, मुजफ्फरपुर में 174, नालंदा में 65, नवादा में 35, पटना में 367, पूर्णिया में 77, रोहतास में 49, सहरसा में 67, समस्तीपुर में 52, सिवान में 43, सुपौल में 27, वैशाली में 33, पश्चिम चंपारण में 41 मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 88,163 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 से अब तक 574 लोगों की जान जा चुकी है। नीतीश सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 इलाज के फीस को किया तय। कोविड-19 के इस माहौल में कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल थे जो लगातार मरीजों से इलाज के लिए ज्यादा पैसे ऐड थे नजर आ रहे थे, जिसकी शिकायत भी बार बार विभाग को मिल रही थी। वहीं लंबे इंतजार के बाद अब आखिरकार नीतीश सरकार ने राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज के फीस का निर्धारण कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है, जिसको लेकर सभी जिलों के डीएम को भी सरकार ने आदेश दे दिया है। सरकार ने बिहार के अलग अलग शहरों को और जिलों को 3 कैटेगरी में बांटा है। इसके साथ ही 3 कैटेगरी में अलग अलग दर निर्धारित किए गए हैं। मरीजों को 10,000 तक की फीस प्राइवेट अस्पताल में देनी होगी, जिसमें 1,200 रुपए के पीपीई किट का शुल्क शामिल होगा। इसके साथ ही आइसोलेशन बेड के लिए 8,000 की फीस देनी होगी और NABH की तरफ से मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के लिए यह दरें तय की गई है। आईसीयू विदाउट वेंटिलेटर की सुविधा के लिए NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 15,000, जबकि नॉन NABH अस्पतालों में 13,000 देने होंगे। इसके साथ ही वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा के साथ NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल में 18,000 और नॉन NABH वालों में 15,000 फीस के तौर पर देना होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पटना ने लगाई छलांग। केंद्र सरकार की तरफ से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम की घोषणा बीते दिन कर दी गई है। इस घोषणा के बाद बिहार की राजधानी पटना स्वच्छता में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो पाई है। पूरे भारत में पटना का 47वां रैंक आया है, जबकि देश भर में 105वां रैंक मिला है। पटना नगर निगम ने साल 2021 में पटना को देश भर में टॉप 50 में लाने के लक्ष्य को तय किया था। इससे पहले बिहार की राजधानी पटना का 2019 में देश भर में 318वां रैंक और 2018 में 309वां रैंक था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से मौका मिलने पर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने का जारी किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन बिहार की जनता के लिए हर गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने की तैयारी कर ली है, जिसके तहत 15,000 करोड़ से अधिक की लागत में गांव को गांव से जोड़ते हुए NH, SH और फिर प्रखंड तक आवागमन को और बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी कार्य योजना बनाने का निर्देश सरकार की तरफ से पहले ही दे दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी के तहत 1992 करोड़ के बने ग्रामीण पुलों का उद्घाटन करने और साथ ही 13,200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और कार्य आरंभ करने के बाद वर्चुअल सभा को संबोधित किया है। भागलपुर जिले को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिला पुरस्कार। भागलपुर जिले को वर्ष 2019-20 के लिए पुरस्कृत किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले को सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत जिले को 1,50,000 रुपए भी दिए गए हैं। कृषि पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह पुरस्कार दिया है। इसके अलावा पराली प्रबंधन विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता सफल प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया है। मंत्री के अनुसार काम में प्रतिस्पर्धा और फिर सर्वश्रेष्ठ को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है, जिसके तहत युक्त पुरस्कार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले लवकुश शर्मा के नाम पर उनके गांव का होगा स्कूल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जान गंवाने वाले लवकुश शर्मा के नाम पर जहानाबाद जिले में उनके गांव के स्कूल का नाम रखने का आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश दे दिया गया है। शिक्षा विभाग में उप सचिव की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जहानाबाद जिला के रतनी फरीदपुर प्रखंड के पंडोल पंचायत के अईरा गांव में ग्रामीणों द्वारा गांव में अवस्थित मध्य विद्यालय अईरा का नाम लवकुश शर्मा के नाम पर रखे जाने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद उन्हें सम्मानित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
शिक्षक बहाली को लेकर राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। शिक्षक बहाली को लेकर राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने अहम बदलाव किए हैं, जिसके तहत राज्य में शिक्षक बहाली प्रोन्नति और उसके सेवा शर्त को लेकर नियमावली को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार ने बताया है कि सभी पंचायतों में एक एक उच्च स्तरीय माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है, लिहाजा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर भी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए नियमावली में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए, जिसकी पूरी सूची बिहार सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। 23 अगस्त को लगभग 20,000 NHM कर्मी उतरेंगे सड़कों पर। बिहार के NHM कर्मी ने राज्य सरकार के रवैये को देखते हुए 23 अगस्त से अनिश्चितकालीन समय के लिए विरोध करने का फैसला किया है। बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मी संघ ने कहा है कि वर्षों से NHM कर्मियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। आपको बता दें, बिहार में करीब 20,000 की संख्या में संविदा पर कार्यरत कर्मियों में हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर, BCM, BCM अकाउंटेंट समेत कई प्रकार के कर्मी हैं, जो कि इस दौरान अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते आ रहे हैं। वहीं इसका विरोध करने की घोषणा से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बिहार और झारखंड की तरफ से शिफ्ट हो रहा है निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्से में बन रहे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा होते हुए झारखंड और बिहार की तरफ दबाव शिफ्ट हो रहा है। इसके साथ ही अरब सागर की तरफ से आने वाली चक्रवाती हवाओं के क्लोब केस की वजह से एक बार फिर से 22 अगस्त को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में तेज हवा के साथ मध्य स्तर में बारिश के आसार बनाए गए हैं। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक पटना, गया, नालंदा, नवादा सहित अन्य जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश होने की उम्मीद है। साथ ही इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे कावेरी झा की। कावेरी झा का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में 21 मई 1983 को हुआ था। कावेरी झा पेशे से एक अभिनेत्री हैं। कावेरी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था और उनके पिता सरकारी कर्मचारी थे। कावेरी झा ने साजिद खान के नेतृत्व में उन्होंने टीवी शो की मेजबानी की थी। इसके अलावा उन्होंने अन्य फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें बम बम बोले जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। इसके बाद उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया है। कावेरी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा जगत में भी सभी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री अपनी शुरुआत की थी। अभिनय के लिए उनकी समीक्षकों द्वारा बेहद सराहा भी किया है। उन्होंने आगे चलकर कई अहम किरदार भी निभाए और उनके अभिनय और किरदार ने हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों की एक नई कल्पना को जन्म दिया है। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने भूल भुलैया, सलीम कंधार, बम बम बोले जैसी फिल्मों में काम किया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के स्वच्छ निष्पक्ष आयोजन को लेकर 22 कोषांगों का हुआ गठन। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने कुल मिलाकर 22 कोषांगों का गठन कर वरीय नोडल पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी सहित कर्मियों की तैनाती की है। सभी कोषांग को कार्य एवं दायित्व आवंटित करते हुए समय पर कार्यों के निष्पादन का निर्देश दे दिया गया है, जिसके तहत गठित टीम से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के स्वच्छ, निष्पक्ष और सहभागितापूर्ण सफल आयोजन की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कार्मिक कोषांग का काम चुनाव के लिए कार्मिक की आवश्यकता और उपलब्धता का आकलन करना, साथ ही विभागों से कर्मियों की सूची प्राप्त करना और डेटाबेस तैयार करना होगा। 3 MLA ने राजद को छोड़ थामा जदयू का हाथ। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को एक बार फिर से राजद के 3 विधायक ने जदयू का दामन थाम लिया है। वहीं जदयू का दामन थामते ही तीनों MLA के सुर भी बदल गए। जदयू का दामन थामते ही इन तीनों विधायकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा की है, जिसके परिणाम स्वरूप लालू यादव की संधि चंद्रिका राय, फराज फातमी समेत एक अन्य ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने छोड़ा महागठबंधन का साथ। इस बात की चर्चा कई दिनों से राजनीतिक गलियारे में सुनने में आ रही थी, वही बात बीते दिन सच साबित हुई। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही जीतन राम मांझी की पार्टी हमने महागठबंधन से अपना समर्थन खींच लिया है और महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम की कोर कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बार बार अल्टीमेटम देने के बाद भी महागठबंधन की तरफ से कोई फैसला नहीं लिए जाने के बाद जीतन राम मांझी ने यह फैसला लिया है। बिहार में बड़े पैमाने पर दरोगा का हुआ तबादला। बिहार में बड़े पैमाने पर तबादलों का सिलसिला जारी है। बिहार पुलिस मुख्यालय से आई खबर के अनुसार सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे 169 दरोगा ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके अलावा ASI, हवलदार और सिपाहियों का भी तबादला किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने कुल मिलाकर 295 पदाधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें दरोगा के अलावा सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार रैंक के पुलिसकर्मियों का नाम शामिल है, जिसकी पूरी सूची पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने की केंद्र से मदद की मांग। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना के अनुरक्षण के लिए
आर्थिक मदद की मांग की है, जिसके तहत 15,000 करोड़ से अधिक की लागत से ग्रामीण सड़कों के शिलान्यास उद्घाटन के मौके पर आयोजित वर्चुअल समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पहली बार देश में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के निरीक्षण के लिए अतिरिक्त राशि की मांग केंद्र सरकार से की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की कृषि विभाग की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन नेट संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि विभाग ने अपना प्रस्तुतिकरण पेश किया है। प्रस्तुतिकरण के दौरान सचिव कृषि ने पशु और मत्स्य संसाधन और एन सरवन कुमार ने मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी दी है। जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम को 4 संस्थानों में भी बांटे जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किसानों के हित में आदेश सुनाते हुए यह भी कहा है कि जलवायु के अनुसार फसल चक्र अपनाने से किसानों को काफी फायदा होगा। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच के लिए एसआईटी में बिहार की 2 महिला अधिकारी भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच के हस्तक्षेप को हरी झंडी दिखा दी है। सीबीआई की टीम अब इस मामले की जांच तेजी से करने वाली है, जिसके तहत सीबीआई ने इसके लिए 4 सदस्य की टीम का गठन भी कर दिया। इस विशेष जांच टीम में एक से बढ़कर एक अफसर को भी शामिल किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी हैं जो कि बिहार से नाता रखती हैं। एसआईटी की नेतृत्व कर रहे गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर मनोज शशिधर के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने की नीट और जेईई मेन परीक्षा स्थगित करने की मांग। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने अब जेईई मेन्स और नीट परीक्षा स्थगित करने का समर्थन किया है, जिसके तहत चिराग पासवान ने देश भर के छात्रों के बीच उठ रही मांग के पक्ष में आवाज उठाई है। चिराग ने ट्वीट करके कहा है कि इन दोनों परीक्षाओं में बैठ रहे छात्रों के अभिभावक परीक्षा को टालना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखा है, जिसमें चिराग ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। चिराग ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि अभिभावकों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से परिवहन व्यवस्था सुचारू नहीं, ऐसे में छात्र परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंच पाएंगे। लालू प्रसाद यादव के पास एक बार फिर पहुंचा कोरोना। रांची के रिम्स में रह रहे लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में लगे 9 पुलिसकर्मी कोविड-19 संक्रमित पाए गए हैं। इस खबर के बाद अस्पताल प्रशासन में हलचल मच गई है। लालू के डॉक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को इसकी जानकारी दे दी है। लालू के सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को संक्रमित होने के बाद अस्पताल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। लालू का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने तत्काल सुरक्षाकर्मी को आइसोलेट करने का आग्रह किया है, ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। जीतनराम मांझी के महागठबंधन से अलग होते ही राजद ने लगाए आरोप। जीतनराम मांझी के आधिकारिक तौर पर अलग होने के बाद महागठबंधन से प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके तहत राजद नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जीतनराम मांझी महागठबंधन में रहकर हमें परेशान करते थे। लालू यादव ने उनके पुत्र को MLC बनाया, बावजूद वे समन्वय समिति बनाने के बहाने दबाव बनाते रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, जीतनराम मांझी ने बीते दिन महागठबंधन से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला सुनाया है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ ऐश्वर्या उतर सकती है चुनावी मैदान में। राजद परिवार पूरी तरीके से अब चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। वहीं राजद परिवार की बहू और तेज प्रताप यादव की पत्नी भी अब अपने पति के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार जदयू से हाथ मिलाने के बाद चंद्रिका राय अब अपनी बेटी ऐश्वर्या राय को अपने दामाद तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, जिसके संकेत उन्होंने दे दिए हैं। जदयू में शामिल होने के बाद चंद्रिका राय ने संकेत दिया था कि उनकी बेटी और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय विधानसभा चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को लिया निशाने पर। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2005 तक राज्य में ग्रामीण सड़कें ना के बराबर थी। गांव में सड़कें बनती ही नहीं थी और कुछ खास लोग ही बैठकर तय कर लेते थे कि कहां सड़क बनेगी, उसी के हिसाब से प्रस्ताव भी दिए जाते थे। पर हमने पदों के निर्माण के लिए साथ ही साथ सड़कों के निर्माण के लिए नीति बना दी है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है लिहाजा सड़कें नहीं बनाई गई हो। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ग्रामीण सड़कों की योजना बनी है और उसके बाद भी बिहार की तत्कालीन सरकार ने कोई कदम शुरू नहीं किया था। केंद्रीय एजेंसी को काम दिया गया था पर कोई काम नहीं हुआ था। राज्य की जनता ने मुझे काम करने का मौका दिया तो सड़कें आज बनकर तैयार है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करने मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जांच करने के लिए सीबीआई की टीम बीते दिन मुंबई पहुंच चुकी है। टीम की अगुवाई सीबीआई के पुलिस अधीक्षक नूपुर प्रसाद कर रही हैं। सीबीआई की टीम द्वारा मुंबई पुलिस के सारे दस्तावेजों का संग्रह किया जाएगा और जांच अधिकारी को भी इसमें मिलाया जाएगा, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले को संभाला था। जरूरत पड़ने पर पुलिस के डीसीपी से भी बात करेगी। और इसके साथ ही सुशांत के परिवार ने इस साल फरवरी में अभिनेता की जान को लेकर आशंका जताई थी और एक व्हाट्सएप चैट भी साझा किया था। एजेंसी के अधिकारी बांद्रा में स्थित सुशांत के घर पर भी जा सकते हैं, जहां 14 जून को वह संदिग्ध हालत में बेसुध पाए गए थे। इसके साथ ही सीबीआई की तरफ से 5 लोगों को बुलाए जाने की भी संभावना है, जो सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद वहां पहुंचे थे। इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह से भी मिलने की संभावना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्र सिंह धोनी को लिखी भावुक चिट्ठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक भावुक चिट्ठी जारी की है। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास के फैसले के बाद उनके सभी प्रशंसक अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धोनी के संन्यास की घोषणा के बाद उन्होंने पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपने जो भी किया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जिसको लेकर के धोनी ने फिर ट्विटर पर लिखा कि एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को तारीफ की कामना होती है। वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत और कुर्बानियों को सभी पहचाने। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी तरफ से मेरी तारीफ और शुभकामनाओं के लिए। WhatsApp के इस खास फीचर के तहत ग्रुप में आपकी मर्जी के बिना अब आपको कोई नहीं कर पाएगा ऐड। WhatsApp भारत का सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप बनकर उभरा है। वहीं अब कई लोग WhatsApp से परेशान भी होने लगे हैं। कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके नंबर पर WhatsApp को जोड़ लेता है। ऐसे हालात में इस मामले को हैंडल करने के लिए WhatsApp के अंदर एक खास फीचर की सेटिंग होती है, जिसके तहत अब 3 डॉट्स को टैप करना होगा और फिर सेटिंग को टैप करके उसके बाद अकाउंट पर टैप करके प्राइवेसी पर जाएं। इसके बाद थोड़ा नीचे जाकर के आपको ग्रुप्स के नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जहां पर एवरीवन, माय कॉन्टैक्ट, एक्सपर्ट का विकल्प देखने को मिलेगा। जिसके बाद अगर आप माय कॉन्टैक्ट का विकल्प चुनते हैं तो सिर्फ आपको वही लोग ऐड कर पाएंगे जो आपके कॉन्टैक्ट में मौजूद होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संगीता कुमारी, प्रभाकर कुमार, मयंक राज, राम विलास, दयानिधि, नीतीश कुमार, उजाला चौधरी, पूजा कुमारी ऑफिशियल, संजीव पंडित, सत्यप्रकाश शर्मा ऑफिसर, नीरज कुमार, रंजीत चौरसिया, सुनील कुमार सिंह, सुरेश कुमार, नारायण कुमार, मनीष, दीपक बाबू। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार जीतन राम मांझी द्वारा महागठबंधन दल को छोड़ने के बाद महागठबंधन दल पर कोई असर देखने को मिलेगा या नहीं? इसके जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।